आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी में, जिसमें पिछले एपिसोड में हमने बात की थी बर्थ पैटर्न्स की, और इस एपिसोड में भी हम बर्थ पैटर्न्स के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि स्पिरिचुअल साइंस ये कहता है कि बर्थ पैटर्न्स का सीधा सीधा रिलेशन जो होता है वो इंसान की साइकोलॉजी, उसकी पर्सनालिटी से होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें इंसान के थॉट्स, विजन्स, फीलिंग्स से जुड़ी होती हैं। हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर न्यूटन, जाने माने स्पिरिचुअल साइंटिस्ट और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट। डॉक्टर लक्ष्मी भी हमारे साथ हैं और वो भी एक स्पिरिचुअल साइंटिस्ट हैं और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट भी। साथ ही हमेशा की तरह एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आज हमारे शो में है, मिसेज चेतना कपूर। चेतना, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपको बता दें कि चेतना के दो बच्चे हैं और चेतना का सिजेरियन हुआ है। इस एक्सपीरियंस के बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे। डॉक्टर न्यूटन, सबसे पहले बर्थ पैटर्न्स की हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी, कुछ एग्जांपल्स के जरिए आप हमें समझा सकते हैं कैसे बर्थ पैटर्न जो है वो साइकोलॉजी से रिलेटेड होता है? बर्थ पैटर्न एंड बर्थ साइकोलॉजी आर इंटर रिलेटेड। हाउ यू आर बॉर्न इज व्हाट डिटरमाइंस what kind of psychological aspects you are carrying further in your life. So a child who is born through cesarean section or induced labor or forceps delivery or breech delivery or could be even using some kind of vacuum, you know, to deliver the baby, they use suction cup, vacuum cup, so that it's a forcible delivery. Or it could be even twins who are coming out one after the other in the delivery process. So each one is going to have a different psychological attitudes in life. So birth pattern, it also is like a karmic seed. Okay. That means a life script is written over that birth pattern. So the first memory of how you are stepping into the physical plane, into the world, it determines your entire script of life. आजकल जो deliveries होती हैं वो ज़्यादातर cesarean होती हैं। Doctors आपको force करते हैं कि आप cesarean करा लीजिए, because उनको monetary benefit उसमें ज़्यादा दिखाई देता है। तो क्या इसका ये मतलब है कि जितनी भी अगर natural deliveries होंगी या फिर हम spiritualism के साथ जुड़े रहेंगे और उसके बाद माँ बच्चे को जन्म देती है, तो जितने भी souls इस दुनिया में आएंगे उनमें कोई problem ही नहीं होगी, उनमें किसी तरह के कोई negative traits ही नहीं होंगे? इस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही चेतना, हम आपके experience के बारे में भी जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं चेतना ने हमसे जब पहले बात की थी तो क्या कहा था। मेरे दोनों बच्चों में 2 साल का डिफरेंस है और दोनों में काफ़ी अंतर है। जहाँ मेरी जो बेटी है वो बड़ी है, वो जहाँ तक शांत स्वभाव की है, कॉन्फिडेंट है, इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजंस लेने में, अपने चीज़ों को करने में। वहीं व्योम जो है वो थोड़ा इमोशनल है, अटैच्ड है ज़्यादा, उसको अपने डिसीजंस पे स्टिक रहने में मुश्किल होती है। व्योम को लगता है कि मैं देख लूँ, उसके साथ रहूँ, उसका लंच बॉक्स भी खुद ही रखूँ, सब कुछ खुद ही करूँ उसका, तो इससे वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा फिजिकली और इमोशनली अटैच रहते हैं मेरे से। चेतना, आपका जो दूसरा बच्चा है वो आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है, और आपकी इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि वो प्रिटेंड तो करता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है, अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, लेकिन आप जानती हैं कि वो इमोशनली बहुत वीक है। ये बात सच है, वो इमोशनली बहुत वीक है, उसके अंदर बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं। जैसे उसके बर्थिंग के टाइम जितनी प्रॉब्लम्स आई थी, और उसको इवन आफ्टर जब डॉक्टर ने उसको सिजेरियन करके निकाला था, तो उसको 10 मिनट तक अकेला वो टेबल पे पड़ा रहा था, देन डॉक्टर्स वर अटेंडिंग मी, और मैं उनको बार बार बोल रही थी कि आप इसको बाहर तो पहुंचा दो, वो रो रहा है, रो रहा है। तो वो शायद उसके अंदर इतना कर गया है कि वो मेरे से बहुत ज़्यादा इमोशनली, अभी वो 6 साल का हो गया है, कोई छोटा बच्चा इतना भी नहीं है, पर अभी भी कहीं जा रही होंगी तो मम्मा आप क्यों जा रहे हो, आपको जाना ज़रूरी है,
वो इतना मेरे से ज़्यादा इमोशनली अटैच है, सोना चाहता है तो मेरे साथ सोना चाहता है, मैं ही सब कुछ करूँ, घर आते ही सबसे पहले मैं ही दिखूँ, मतलब बहुत ज़्यादा है उसके. Do you think it has happened because आपका सिजेरियन केस था, इसीलिए ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं? इसलिए ज़्यादा आ रही है क्योंकि जो मेरी पहली डॉटर है शी वॉज नॉर्मल डिलीवरी और बहुत आराम से हो गई थी. वो कॉन्फिडेंट है, वो एक्चुअली में कॉन्फिडेंट है, वो प्रिटेंड नहीं करती कि वो कॉन्फिडेंट है, वो कॉन्फिडेंट है, वो रूम में अकेले जा सकती है, रह सकती है. पर आपका सिजेरियन क्यों करना पड़ा? वो ब्रीच हो गया था, उल्टा हो गया था और डॉक्टर्स को पता नहीं चला. वो काफ़ी देर तक तो 8-10 घंटे तक तो इंड्यूस लेबर करके उसको नॉर्मल डिलीवरी करते रहे, पर जब पता चला कि वो एकदम ही ऊपर चेस्ट तक आ गया है क्योंकि वो उल्टा हो गया था, उसके पैर नीचे थे, तो इस वजह से सिजेरियन करना पड़ा. डॉक्टर लक्ष्मी, सिजेरियन जो है क्या वो गलत तरीका है? और अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और डॉक्टर्स फोर्स करते हैं कि आपको सिजेरियन कराना चाहिए, तो क्या स्पिरिचुअली मेडिटेशन के जरिए कोई तरीका है कि हम सिजेरियन को रोक सकें? या एक्चुअली इन इमरजेंसी सिचुएशंस सिजेरियन कैन बी एडवाइज्ड, बट अदरवाइज ज़्यादातर केसेस में मेडिटेशन के प्रॉपर एजुकेशन से हम नेचुरल डिलीवरी कर सकते हैं. ये सिजेरियन सेक्शन में एक एटीट्यूड डेवलप, एक साइकोलॉजी डेवलप होती है कि क्योंकि बच्चे को सडनली वो सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट से आप एक ये एक्सटर्नल वर्ल्ड में लाते हैं, सो इट्स अ सडन शॉक फॉर द चाइल्ड बिकॉज इट इज़ सडनली ब्रॉट आउट. सो इसलिए उन्हें बहुत लो कॉन्फिडेंस से वो सफ़र करते हैं और दे फील दैट इंड्यूस्ड ऑल्सो, यू आर टेलिंग दे हैव इंड्यूस्ड लेबर. सो इस इंड्यूस्ड लेबर में भी बच्चे में ये साइकोलॉजी पैदा होता है कि दे समबडी हैज़ टू हेल्प देम फॉर एवरीथिंग, दे कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन देयर ओन. कैन यू ऑब्जर्व? या ही हैज़ दैट एवरीथिंग, इवन टू गेट हिज क्लोथ आउट ही विल से मम्मा आप चलो, आप चलो. For everything, even eating his food, he'll need help. हर सिजेरियन केस में इंड्यूस किया जाता है, तो क्या हर बच्चा जो बाहर आएगा उसमें ये प्रॉब्लम होगी, ये ब्लॉकेज होगा? Generally, research shows that this particular delivery system affects the child in this way. इन जनरल तो बेसिकली जो चेतना को प्रॉब्लम है डॉक्टर न्यूटन की, उसका बच्चा जो है बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच है चेतना के साथ. मेडिटेशन अब इस स्टेज पे चेतना की कोई मदद कर पाएगा? डेफिनेटली, इफ द मदर इज डूइंग द मेडिटेशन, व्हाट विल हैपन इज इवन द चाइल्ड लर्न्स मेडिटेशन फ्रॉम द मदर बिकॉज द सन the daughter, they are very much connected to the parents. So basically, क्योंकि चेतना का बच्चा चेतना के साथ बहुत ज़्यादा attached है, बहुत ज़्यादा emotionally dependent है चेतना पर, और जो चेतना करती है वो उन्हें ape करने की कोशिश करता है. तो अगर एक meditation की practice वो inculcate करती हैं अपनी life में, तो शायद उनका बच्चा भी वो adopt कर ले. एक छोटे से break के लिए रुकते हैं, जिसके बाद डॉक्टर न्यूटन चेतना को यहाँ guided meditation कराएंगे और होपफुली चेतना कि जो प्रॉब्लम है उससे उन्हें छुटकारा मिल जाएगा. रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी. वेलकम बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक टू दिस प्रोग्राम ऑन स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी. वी वर टॉकिंग अबाउट बर्थ पैटर्न्स, हाउ बर्थ पैटर्न्स डिटरमिन आवर बर्थ साइकोलॉजी. Today with us, Chetana Kapoorji, and we are happy to have you here. And we will go through a guided meditation where we can understand about the birth pattern of your son. He is born with cesarean section. Yes. Okay. So how are you feeling? Right now? Right now? Right now I'm feeling a lot of vibrations. Yes. And I want to go into this meditation and find out. Find what, out. Yeah. Yeah. Why is he like that? What is his nature? And how yes. can I help him? Yeah. We can focus on this actually, okay. where the inner wisdom within us can reveal so many things. Okay. It can give us answers, insights, provide us direction, guidance, how to help your son. Okay. And I'd like to you to close your eyes right this moment. Make yourself very, very relaxed. As you intend yourself to relax, instantly the waves of relaxation can flow down and down into your body parts. Your whole body completely relaxing with each and every breath that you are taking now. I'd like to climb the steps of a staircase.
It's like leading down and down into your subconscious mind. Now, I'd like to be there in a landscape which you can feel more relaxed. Feeling more safe, connected with your guides and higher self. Using all your inner senses, like to completely explore and experience that nature. Once you're there, you can narrate me, describe me about what you are seeing, feeling or experiencing there. It's a beautiful garden. Beautiful garden, yeah. A lot of flowers. Flowers. Green grass. Yes. Nice sunny day. Yes. Time and again, when you connect to this nature's place, you'll be instantly connected to this peaceful meditation. Once you are there in that place of nature, you can access the subconscious memories. One of the strong memories about your own pregnancy, an important significant memory while you are second time pregnant, could be any memory. Feel what you feel, see what you see, and experience it again. Once you are there, I'd like to describe, narrate about what you are experiencing. Everybody is asleep, sab so rahe hain raat ke 3-4 baje. Yes. Ekdam jhatke se neend khulti hai. You woke up all of a sudden. Yeah. Suddenly was suffocating. Suffocating feeling. Yeah. What's the significance of this memory to you? I think bahut zyada tension hai abhi. Yes. Delivery ki tension nahi hai, delivery ke baad ka. At this moment, like to focus on your fetus inside the womb. It's like pain in stomach, as if he's clinging onto something. Yeah. I think there's a lot of tension inside me, which is generating from him also. Yes. He's responding to that fear. He's reacting to that fear. Right this moment, what we can do is, I'd like to release all the fear, whatever subconscious fear that you had in that moment. I'd like to totally dissolve all that heavy sensations, the pain that you're feeling, all the suffocating you're feeling, all that, totally dissolving them. Transforming all the dark sensations with dark colors into these bright lights. Bright colors. And in that memory, I'd like to communicate with the fetus and saying that now you are releasing all the fears, sending all the loving energy to the fetus. Now, from your inner wisdom, I'd like to connect to your son, the life of your son. I'd like to see how this unconscious fear is playing in the mind of this child who is born, how it makes you feel when he is happy, when he is free from the fears. I'm very comfortable now. You are very comfortable now. Like to now bring this new energies, the new life, bring this all the positive thoughts and positive feelings. As I count 1, 2, 3, like to slowly return back. One, you're feeling very relaxed, rejuvenated, relaxed, positive. Two, connecting to that beautiful garden. Bring that energy of the garden to you. See your son and radiating this love and happiness and joy and giving him all the confidence that he can overcome all the fears and see him happy. Three, when you're ready, you can slowly, slowly open your eyes, feeling all the freshness. Very good. Welcome, welcome, Chetana. Thank you. How are you feeling? Suddenly, my, ऐसा लग रहा है दिमाग से एक बहुत ज़्यादा टेंशन हट गई है. Yeah, it's released. और एकदम ठंडा हो गया दिमाग ना. तो ज़्यादा जो दिमाग में टेंशन थी और वो सब अपने बेटे को लेके तो. Excellent. काफी हद तक. We'll talk about this experience after the short break. And thank you so much. We all have seen how Chetana Kapoor
entered into a meditative state where she could connect to the memory of her second pregnancy. And after a short break, we'll detailedly we'll go through this experience, we'll listen to this experience. आप सभी का ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है. हमारे साथ इस वक्त चेतना यहाँ है. चेतना, कैसा लगा आपको मेडिटेशन? बहुत अच्छा, बहुत ही रिवीलिंग कि एक मेडिटेशन करने से आप वापस उस टाइम में पहुँच के और अपनी फीलिंग को, थॉट पैटर्न को चेंज करके आप आज की ज़िंदगी में कितना फ़र्क लेके आ सकते हैं. और जो मुझे लगता था कि शायद मेरे बेटे में कुछ है कि वो ऐसा है, वो ऐसी बात नहीं थी. वो मेरा ही थॉट प्रोसेस था जो उसमें ट्रांसफ़र हुआ था और उसकी वजह से, और डिलीवरी में जो मुश्किलें आई थी उसकी वजह से उसकी इतनी इनसिक्योरिटीज़ है जो मैं उसे समझ नहीं पा रही थी. अब मैं उसे शायद ज़्यादा अच्छा समझ पाऊँगी. Dr. Newton, she was very restless in the beginning. Yes. बाद में इनको अच्छा लगने लगा. Right, exactly. In the meditation, she connected to the memory of her second pregnancy. That point of time, one of the nights, she woke up suddenly, she felt this great fear in her. The thought process started, you know, how I can handle this second child? Is there enough space in the house? How do I take care of him? Because already I have one daughter before. And what will happen? So this kind of fears has even will have an impact on the fetus. So at that point of time, as Chetna ji did not realize the impact of this, and that's why conscious conception, conscious pregnancy during the whole pregnancy meditation, it is very helpful. Okay. Where we can minimize and reduce all these fears, where we can overcome all these challenges. डॉक्टर लक्ष्मी, खास तौर पर जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो ज़्यादातर डॉक्टर्स कपल्स को ये कहते हुए दिखते हैं कि आप सिजेरियन करा लीजिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मॉनेटरी बेनिफिट्स की वजह से. उन कपल्स के सामने डॉक्टर तो भगवान है, तो वो कह देते हैं कि आप जो भी कीजिए जल्दी कीजिए ताकि मेरा बच्चा सेफली बाहर आ सके. तो ऐसे में क्या करना चाहिए एक माँ को? जब हम ये अवेयरनेस दे रहे हैं इस प्रोग्राम के हिसाब से, तो आई थिंक मोर एंड मोर मदर्स और मोर एंड मोर कपल्स विल कम टू नो अबाउट दिस, एंड देन आई थिंक दे विल बी एबल टू टेक अ डिसीजन. लाइक यू नो, दे कैन टेल टू द डॉक्टर दैट यू नो, डॉक्टर वी वॉन्ट टू ट्राई, वी वॉन्ट टू गो फॉर दिस नेचुरल डिलीवरी प्रोसेस. इफ देर इज़ एन एमरजेंसी देन वी कैन थिंक अबाउट यू नो सिजेरियन सेक्शन. ये चेतना के केस में ये वेरी क्लियर है, जो कुछ भी उनका थाट प्रोसेस थी, जब वो फीटस फील करने लगा, आई थिंक इमिडिएटली ही टर्न्ड अपसाइड डाउन. या वो ठीक था आखिर में, व्हेन माय थॉट प्रोसेस स्टार्टेड 9 months में, अब होने वाला है, अब क्या होगा, तो पूरा बच्चे का पोजीशन उल्टा हो गया. जब आपको ये पता चला कि आपका सिजेरियन होने वाला है, तो आपका रिएक्शन क्या था? क्या किसी तरह का कोई डर मन में आया कि ओ गॉड कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, क्योंकि पहली डिलीवरी नेचुरल थी एकदम? जब तक ये डिसीजन हुआ तब तक कॉम्प्लिकेशन काफ़ी हो चुकी थी. डॉक्टर को भी नहीं पता चला, उसको भी लग रहा था सब ठीक है क्योंकि पहले ठीक था. वो एकदम से उसका 9th month में टर्न हुआ, हमें भी लग रहा था सब ठीक है. तो ये डिसीजन काफी तब लिया गया जब काफी कॉम्प्लिकेशंस आ चुकी थी. बिकॉज़ द फीटस टर्न्ड अपसाइड डाउन, इवन द यूटेरस हैज सम कॉन्ट्रैक्शंस. व्हेन वी आर पीसफुल एंड मेडिटेटिव, व्हाट हैपेंस, द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस विल बी वेरी नेचुरल नॉर्मल. एंड व्हेनेवर देयर इज अ फियर रिएक्शन इन द मदर, व्हाट हैपेंस, इट विल बी ट्रांसमिटेड टू द यूटेरस एंड यूटेरस कॉन्ट्रैक्शंस विल बी टोटली डिफरेंट. इट पुशेस द फीटस इन अ डिफरेंट वे एंड द फीटस आल्सो will be turning its position out of fear. They sometimes it's called transverse lie. They go into a horizontal position. तो अगर माँ अपना मानसिक संतुलन बनाकर नहीं लगती है तो एक बच्चे की पोजीशन तक चेंज हो सकती है, जिसे हम कॉम्प्लिकेशन कहते हैं, और फाइनली वो सिजेरियन कराना पड़ सकता है. डॉक्टर लक्ष्मी, मान लीजिए कि एक माँ है जिसे लेबर पेन से पहले पता चल जाता है कि उसका सिजेरियन होने वाला है, और फिर उसको वो डर आता है कि कहीं कॉम्प्लिकेशंस बढ़ ना जाए, मेरा बच्चा सेफली बाहर आ पाए या ना आ पाए, उस समय मेडिटेशन किस तरह से हेल्प कर सकता है एक माँ को? जब मेडिटेशन माँ करती है तो शी रिलैक्सेस. सो व्हेन शी रिलैक्सेस everything will be you know under control, because then the contractions are natural. Okay. And then she'll be able to you know
go through this delivery process. Basically, उसे ये understand करना होगा कि क्योंकि complications हैं इसलिए cesarean तो कराना ही पड़ेगा और एक positive approach रखते हुए उस baby को welcome करना चाहिए. Even this delivery process should not be fear based. It should be more love based. You know, when you welcome your child, सारा प्यार से आप वेलकम करते हैं और अंडरस्टैंडिंग से करते हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द लेडीज कैन डिलीवर नेचुरली. चेतना, आज जो आपने गाइडेड मेडिटेशन किया डॉक्टर न्यूटन के साथ, अब आप अपने बेटे को, आपको क्या लगता है कैसे हेल्प कर पाएंगी? अब मुझे पता है कि उसकी साइकोलॉजी क्या है और पेशेंस से, लव से, उसकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं जो उसको एकदम डिलीवरी के बाद हुई थी, वो शायद मैं अब कम कर सकूँ और एक नॉर्मल बच्चे की तरह वो बिहेव करें. इतना ज़्यादा इनसिक्योर और इतना ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस शायद ना रहे वो फिर उसके. पेशेंस और लव, यही दो चीज़ आज मैंने सीखी है. धैर्य और प्यार, ये दो चीज़ें आपने आपकी अब स्ट्रेंथ्स बन जाएंगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके बेटे को इससे काफ़ी मदद मिलेगी. डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी, आपने बर्थ पैटर्न से रिलेटेड इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, इसके लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद. और आपका भी धन्यवाद चेतना, आप यहाँ आई और हमें, जैसा कि मैंने कहा, पूरी उम्मीद है कि अब आपके बेटे को जो इनसिक्योरिटी थी, इमोशनल डिपेंडेंस जो थी, वो उससे काफ़ी हद तक मदद मिलेगी, उसे छुटकारा मिलेगा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो.